बॉलीवुड में अगर दो ऐसे कलाकारों की बात की जाए जो 70 और 80 के दशक से हैं और अब तक इंडस्ट्री में सक्रिय हैं, तो आपके जहन में सबसे पहले नाम किसका आएगा? जी हाँ, मिथुन दा और बॉलीवुड के बिग बी अमिताभ बच्चन। ये दोनों ऐसे कलाकार हैं जो लगभग 4 दशकों से बॉलीवुड इंडस्ट्री में सक्रिय हैं और अपनी फिल्मों से लगातार मनोरंजन करते नजर आए हैं। लेकिन अपने दौर में इन्होंने कई फिल्मों में साथ में काम किया, जिनमें गंगा, जमुना, सरस्वती, अग्निपथ, गुलामी और दो अनजाने जैसी कई बेहतरीन फिल्में शामिल हैं। क्या आप जानते हैं अमिताभ बच्चन और मिथुन दा की ऐसी भी फिल्में हैं जो अगर रिलीज होती तो आने वाले समय में इन दोनों की जोड़ी बॉलीवुड की टॉप लिस्ट में शुमार होती। लेकिन अफसोस, इस फिल्म को किसी विवाद के कारण रिलीज नहीं किया जा सका, जो आज की हमारी इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कौन सी है वो फिल्म और आखिर क्यों नहीं इस फिल्म को रिलीज किया गया। हाउसफुल 2, बॉस, गंगा, जमुना, सरस्वती और अग्निपथ जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवा चुके अभिनेता अमिताभ बच्चन और मिथुन चक्रवर्ती को आज किसी पहचान की जरूरत नहीं है। अपने दौर में एक से बढ़कर एक फिल्म देने वाले ये दोनों कलाकार आज भी फिल्मी जगत में सक्रिय हैं। आज हम आपको उस फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं जो बॉलीवुड की सफल फिल्मों में गिनी जाती थी, लेकिन इस फिल्म को रिलीज नहीं किया गया और इस फिल्म का नाम था साधु संत। फिल्म साधु और संत अमिताभ बच्चन और मिथुन चक्रवर्ती ने साइन की थी। उसमें साधु और संत दोनों बनने वाले थे। इसके अलावा इस फिल्म में हेमा मालिनी, मीनाक्षी शेषाद्री, सुरेश ओबेरॉय और अमृता सिंह जैसे बेहतरीन कलाकार शामिल थे। हालांकि फिल्म कभी रिलीज नहीं हुई। हालांकि इसका कारण तो कुछ खास नहीं बताया गया, लेकिन कहा जाता है इस फिल्म को आधे से ज्यादा शूट कर लिया गया था। और तो और, इस फिल्म के कई सारे पोस्टर्स भी रिलीज किए गए जिसमें जबरदस्त एक्शन, रोमांस और ड्रामा का तड़का नजर आ रहा था, लेकिन इस फिल्म को रिलीज ही नहीं किया गया। कहा तो ये भी जा रहा था कि अमिताभ और मिथुन चक्रवर्ती की जोड़ी कई फिल्मों में काम कर चुकी है, लेकिन अमिताभ बच्चन का स्टारडम उस समय काफी अच्छा था और वो अपने से छोटे कलाकारों के साथ काम नहीं करना चाहते थे, जिस वजह से उन्होंने फिल्म प्रोड्यूसर को खुद के फिल्म से निकलने की बात कही और यही कारण हो सकता है कि इस फिल्म को पूरे तरीके से सस्ते बस्ते में डाल दिया गया, क्योंकि फिल्म के प्रोड्यूसर मिथुन और अमिताभ की जोड़ी बॉक्स ऑफिस पे लाना चाहते थे। इसके अलावा हम आपको बता दें, मिथुन चक्रवर्ती के लिए फिल्मों में अपनी जगह बनाना आसान नहीं था। गहरे रंग के कारण उन्हें कई सालों तक फिल्में देने से मना किया गया, लेकिन उन्होंने भी हार नहीं मानी और अपनी एक अलग पहचान बनाई। मिथुन ने कई फिल्मों में बतौर जूनियर आर्टिस्ट काम करते हुए अपनी शुरुआत की थी। उन्हीं दिनों अमिताभ और रेखा पहली बार फिल्म दो अनजाने के लिए साथ काम कर रहे थे। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती को किसी तरह 2 मिनट का छोटा सा रोल मिल गया। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती ने अमिताभ बच्चन और रेखा के स्पॉट बॉय का काम भी किया था। दो अनजाने फिल्म के दौरान ही अमिताभ और रेखा के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। इस फिल्म में मिथुन अमिताभ बच्चन के पड़ोसी बने थे, जिनका रोल महज 2 मिनट का था। मिथुन चक्रवर्ती चूंकि अमिताभ और रेखा के स्पॉट बॉय भी थे, इसलिए पूरी फिल्म के दौरान उन्हें अमिताभ के साथ रहना पड़ा था। वो अमिताभ का बैग ढोने का काम करते, रेखा जब शॉपिंग के लिए बाहर जाती तो मिथुन को उनके साथ जाना होता था। मिथुन ने ऋषि कपूर और मौसमी चटर्जी की फिल्म फूल खिले हैं गुलशन गुलशन में भी एक छोटा सा रोल किया था। 1978 में आई फिल्म मेरा रक्षक में उन्हें एक बड़ा रोल मिला और इसकी सफलता ने उन्हें आगे बढ़ने में मदद की। मिथुन चक्रवर्ती 80 के दशक में उस वक्त बड़े स्टार बन गए जब उनकी फिल्म डिस्को डांसर 1982 में रिलीज हुई। इस फिल्म में उनकी एक्टिंग के साथ साथ उनके डांस को भी बहुत पसंद किया गया। 80 के दशक में मिथुन ने करीब 110 फिल्में की थी। इतनी सफलता के बाद मिथुन जब अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हैं तो अक्सर भावुक हो जाते हैं। कुछ दिन पहले डांस प्लस 5 के सेट पे मिथुन ने अपने संघर्ष के दिनों को याद करके बताया था, मैंने कभी सपने देखना नहीं छोड़ा और हमेशा हकीकत का सामना किया। जब मैं मुंबई आया तो मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। वो ऐसे दिन थे जब मैं इमारतों की छतों पे बनी पानी की टंकियों में छिप जाता था और वहीं सो जाया करता था ताकि सुरक्षा गार्ड्स मुझे देखे नहीं। उन्होंने आगे कहा, जब मैंने फिल्म इंडस्ट्री में काम ढूंढने की शुरुआत की तब मेरे रंग की वजह से मुझे कई बार रिजेक्ट किया गया। तभी मैंने सोच लिया कि मैं अपने डांस की कुशलता सबको दिखाऊंगा ताकि लोग मेरे रंग पर नहीं, मेरे डांस पे ध्यान दें।
तो आप क्या कहना चाहेंगे मिथुन चक्रवर्ती और अमिताभ बच्चन की फिल्मों में अभिनय के बारे में, जिनकी जोड़ी फिल्म को हिट कराने के लिए काफी थी? आप अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए।